हेलो स्टूडेंट्स आज हम लीनियर वेरिएबल्स के क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं लास्ट दो क्लास में मैंने आपको लीनियर रियल नंबर्स और पोर के क्वेश्चन कराए थे तो आज हम चैप्टर थ्री के क्वेश्चन करने वाले हैं पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से सभी By using both the digit, is a काफी और उन दोनों का जो इफ द सम दोनों से दो डिजिट की जो नंबर बन सकती है उनका सम अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो बताओ एक्स प्लस वाई क्या होगा मतलब एक्स और वाई से जो दो नंबर बनेगी अब आप बताओ एक्स और वाई से दो नंबर जो बन सकती हैं वो बन सकती हैं ये एक तो बन सकती है टेन एक्स प्लस वाई इसको यूनिट प्लेस पे ले लें वाई को और इसको टेंस प्लेस पे ये आप फिर दूसरी कौन सी बनेगी टेन वाई प्लस एक्स अब इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा इलेवन एक्स प्लस इलेवन वाई यानी 11 इंटू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पे अगर 11 है तो यहाँ पे भी हमारा 11 ही होना चाहिए तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उससे छोटी कोई नंबर नहीं हो सकती जिससे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो यानी x प्लस की वैल्यू 11 हो गई तो b पार्ट हमारा इसका आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इसको हम ग्राफिकली बताते हैं क्योंकि इसके बिना ये होगा भी नहीं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन अगर हम इसको इसमें X की जगह जीरो पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू बी आती है यानी लाइन वाई एक्सिस को बी पे काटती है अगर वाई को जीरो रखते हैं तो एक्स की वैल्यू आती है ए यानी एक्स एक्सिस को ए पे तो रफली ग्राफ बनाना है कोई ज्यादा वो जरूरी नहीं है तो इसका मतलब ये लाइन और और को पे काटती है, है, है तो इन तीनों ने जो ट्राइंगल बना रखा है वो ये है तो उसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू ए इंटू बी यानी सी पार्ट इसका हमारा आंसर होगा ठीक अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ये डायरेक्ट आंसर देने वाला क्वेश्चन है इसमें कुछ करने की दिखाने की जरूरत नहीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इक्वेशन के सॉल्यूशन है अब वो सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और मैनी भी हो सकता है यानी वो इंटरसेक्ट भी कर सकती है लाइन या फिर कोइंसिडेंट भी तो डी पार्ट इसका आंसर होगा कि दोनों लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगी या एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी कोइंसिडेंट होंगी फोर्थ क्वेश्चन इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट तो इनकंसिस्टेंट का मतलब ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू सॉरी इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू तो हमें तो इक्वल टू निकालना है तो इसकी जरूरत नहीं है तो थ्री अपॉन टू के माइनस वन और वन अपॉन के माइनस वन तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन प्लस थ्री टू तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा तो so, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मैनी सोल्यूशन तो मैनी सोल्यूशन के लिए अब सभी को बताए ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू तो टू अपॉन टू ए इक्वल टू थ्री अपॉन ए प्लस बी सेवन अपॉन ट्वेंटी एट हमें ए और बी में यहाँ पे रिलेशन चाहिए क्योंकि जो हमें यहाँ पे आंसर निकालना है वो दिखाना है कि ए और बी में क्या रिलेशन है तो कर लेते हैं देखो यहाँ से अगर हम करें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई टू से टू कट गया क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए प्लस बी इक्वल टू थ्री ए आ गया ए प्लस बी इक्वल टू थ्री ए ए को उधर ले जाएंगे तो बी इक्वल टू टू ए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही होगा ठीक है तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स पे पेयर ऑफ का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई इक्वल टू माइनस सेवन मतलब बिलो एक्स एक्सिस तो ये दोनों लाइन पैरल होंगी तो पैरल का मतलब नो सोल्यूशन तो ऑप्शन हमारा होगा डी y इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू माइनस सेवन दोनों पैरल लाइन होंगी ऐसे किसी क्वेश्चन में अगर आ जाए x इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू थ्री ये भी पैरल होंगी और अगर x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी तो ये इंटरसेक्टिंग होगी जो ए बी पे इंटरसेक्ट करेंगे सेवंथ क्वेश्चन वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन डिपेंडेंट का मतलब कोंसिडेंट लाइन और कॉइंसिडेंट लाइन में सबको पता बताया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल होता है तो इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो स्पीड इस इसके साथ डिपेंडेंट होगी तो आप देख सकते हो उसके लिए हमें ये चाहिए a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस 5 है और इस वाली इक्वेशन को आप देखो दोनों को ही देखना पड़ेगा मैं सभी के साथ देखना पड़ेगा अगर हम इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना टेन 10. तो माइनस टेन एक्स प्लस टू फोर ये हमारी इक्वेशन बन रही है क्योंकि सब में से मल्टीप्लाई कर लिया अब ये चेक कर लो ये किसके साथ हमारी मैच कर रही है डी के साथ मैच कर रही है क्योंकि अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डी पार्ट आ जाएगा तो आंसर हमारा हो गया डी एट वन ऑफ कॉमन सोल्यूशन ऑफ दिस लाइन एंड वाई एक्सिस क्वेश्चन कुछ भी नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा समझने की बात है कि कॉमन सोल्यूशन का मतलब है ये लाइन वाई एक्सिस के साथ कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके लिए हम इसमें एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ गई सी अपॉन बी तो जीरो कोमा सी अपॉन बी ए पार्ट नाइन्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों लाइन यूनिक सॉल्यूशन देंगी तो रिलेशन क्या होना चाहिए तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ए अपॉन एल नोट इक्वल टू बी अपॉन एम तो एम नोट इक्वल टू बी एल तो ए पार्ट हमारा यहां पे आंसर होगा टेंथ क्वेश्चन थर्टी वन एक्स प्लस फोर्टी थ्री वाई इक्वल टू वन वन सेवन दूसरी क्वेश्चन है आपको बता दो कई सारे स्टूडेंट्स इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के फिर उनका डिफरेंस करते हैं उसकी जरूरत नहीं है बस इनको सब्ट्रैक्ट कर दो आप ऐसे ही तो इसमें से तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस कितना आएगा 12 माइनस ट्वेल्व इसमें से इसको माइनस करेंगे प्लस के ट्वेल्व और इसमें से इसको माइनस करेंगे 12. इसको हम पूरी को डिवाइड कर देते हैं बाय माइनस ट्वेल्व क्योंकि हमें एक्स माइनस वाई चाहिए तो माइनस हो जाएगा माइनस वन है ना तो ये हमारा आंसर एक मिनट इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं फोर्टी थ्री माइनस वन आएगा माइनस वन ऑप्शन में है नहीं इसका मतलब हम इसको यहाँ पे माइनस वन कर देते हैं तो बी पार्ट हमारा आंसर होगा इसमें आपको एक बात और याद रखनी है अगर एक्स प्लस वाई फाइंड करना होता तो हम इनको ऐड कर लेते अलग से एक्स और वाई निकालने की जरूरत तो नहीं है अगर ये करेंगे तो ऐड कर देंगे तो कितना आ गया सेवनटी एट एक्स सेवनटी एट वाई इक्वल टू टू हंड्रेड ट्वेंटी टू तो इसको हम यहाँ पे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ गलती है तो ये आपको सुधारनी पड़ेगी कोई बात नहीं बात ये याद रखना कि अगर x माइनस वाई निकालना है तो सब कर दो और x प्लस वाई निकालना है तो बस ऐड कर दो पूरा एक्सरसाइज निकालने की जरूरत नहीं होती है तो ये आज मैंने दस क्वेश्चन कराए आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा पार्ट वन और पार्ट टू में आपको रियल नंबर और फुल्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे स्क्रीन पर आपको एमसीक्यू की आ रही होगी वहां से आप वो भी देख सकते हैं थैंक यू वेरी मच